हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी भाई अंडे के लिए फार्म करना चाहता है या अंडे प्रोडक्शन करने के लिए फार्म बनाना जा रहा है, तो सबसे अच्छा क्वालिटी का या सबसे अच्छा अंडे देने वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाला यही है। तो सभी जो फार्मर है अंडे के लिए यही मुर्गी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि फार्म के लिए कितना जगह चाहिए, कितना उसमें चाहिए, ब्रूडिंग करने के लिए क्या होगा, फीडिंग क्या होती है, इसके लिए हम उसी बात पे आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आपके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले तो ये 140 दिन में अंडे देना स्टार्ट कर देती है, जो सालाना 180 से 220 अंडे तक देती है। और अंडे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और बड़ा सफ़ेद अंडा होता है, पूरा सफ़ेद होता है, आर आई आर के जैसे पूरा लाल अंडा नहीं होता है एकदम, उसे कोई दाग धब्बे नहीं होते, पूरा सफ़ेद अंडा होता है। जैसे कि इसकी पहचान पहचानने के लिए भी बहुत आसान होता है कि ये वाइट पूरा सफ़ेद होता है और उसका अंडा 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 का जो वेट होता है वो 50 से 55 ग्राम तक होता है। और तो सबसे ज़रूरी बात तो यही है दोस्तों कि हमको फार्म तो एक बनाना चाहिए। तो 100 मुर्गी के लिए, 100-200 मुर्गी के लिए जैसे 20x10 की हम घर बना सकते हैं, उसमें वो अच्छे से रह सकती है खुले तक मज़ेदार तरीके से, 200 मुर्गी के लिए बहुत परफेक्ट होती है। उसके बाद दोस्तों हम ज़्यादातर अब कम जो कम से कम उसमें हम कर सकते हैं उसके लिए इस केस की ज़रूरत होती है, लेकिन केस तो हम बना नहीं सकते कम कम खर्च में, इसीलिए हम खुले में रख सकते हैं उसको। तो बहुत कम भाई जो अंडे हैच करने के लिए मुर्गियां रखते हैं, तो उसके साथ मेल बर्ड भी रख देते हैं। मेल बर्ड रखने की यही लाभ है कि उससे हम बच्चे भी निकाल सकते हैं घर में, एक इंक्यूबेटर रख के हम वो जो इंक्यूबेटर रखने के बाद हम घर में ही चिक्स प्रोडक्शन कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो सकते हैं अंडे से। ठीक है, अगर अंडे मुनाफा अंडे के लिए करेंगे तो अंडे 6 से 7 रुपये में भी जाएंगे, तो बच्चे निकलने के बाद वही अंडा 20 से 25 रुपये तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये तक भी सेल हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादातर भाई हमारे गांव एरिया या जो विलेज एरियाज़ में होते हैं उसमें हम मेल के साथ रखने के लिए अच्छे मानते हैं। ठीक है, और तो यही बात है। सबसे पहले तो अब फीडिंग और तो उस वही बात है, जब लाने के बाद हम ब्रूडिंग में रखते हैं जब तक पंख नहीं आ जाते हैं तब तक हम प्री स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद फिनिशर, उसके बाद जब अंडे देने स्टार्ट करने लगती है मुर्गी तो हम लेयर फीड भी उसमें इस्तेमाल उसको लेयर फीड इस्तेमाल करना का करनी होती है। तो लेयर फीड इस्तेमाल करने की बात तो इस्तेमाल करने के जो फ़ायदा है वो जो अंडे है वो अच्छी क्वालिटी की में अच्छी क्वालिटी की देती हैं और अच्छा अच्छा होता है बड़ा बड़ा अंडा, तो उसके लिए हमको लेयर फीड इस्तेमाल करना चाहिए। तो तब तो जो भी भाई ये फार्म करना चाहता है वो सबसे पहले तो कम क्वांटिटी में आप फार्म स्टार्ट करें, जो 100 से 50 से स्टार्ट करें, और ज़्यादातर हमारा
आरआईआर लोकल, आरआईआर जो अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, अंडे के लिए बहुत अच्छी ब्रीड होती है ये। 200 से 220 अंडे तक सालाना देती है। तो मेल जो बर्ड का वेट होता है वो 2.5 किलो तक होता है, और फीमेल बर्ड का 200 ग्राम तक होता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंडे होते हैं, और बहुत अच्छा सेल भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। जो हम मार्केट में अवेलेबल मिलता है वो इस जो अंडा आता है ब्रॉयलर के नाम से ही, वो इसी की अंडा होती है। और असम में भी बहुत बड़ा बड़ा फार्म हो गया अभी, तो डिब्रूगढ़ में भी इतना बड़ा फार्म हो गया है, वहाँ जाके हम विजिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट लाइक शेयर करिए। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा।